सो अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ ए मटेरियल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, कि हाउ वी सिलेक्ट ए मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसको पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है मटेरियल को, ठीक है। सही, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आपने एक कॉलम डिज़ाइन करना है। कॉलम क्या होता है? कॉलम इज़ जस्ट लाइक दिस, ठीक है। कॉलम इज सब्जेक्टेड टू ए टाइप ऑफ लोड। अच्छा, लोड आपको बता देता हूँ मैं। एक दो टाइप के लोड होते हैं बेसिकली, टेंसाइल लोड एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल लोड का मतलब होता है अगर कोई मटेरियल है, ऐसा मान लीजिए इसके ऊपर ये बाहर की तरफ लोड लग रहा है, यानी कि स्ट्रेचिंग हो रही है इसकी, या एक्सटेंशन कुछ भी कह सकते हो। व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टाइप ऑफ लोड विच हैज़ अ टेंडेंसी टू इंक्रीज इट्स लेंथ। इसकी लेंथ इंक्रीज करने की टेंडेंसी है इस लोड की, ठीक है, बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, ऐसे लोड को हम बोलेंगे टेंसाइल लोड। सेकेंड होता है एक कंप्रेसिव लोड। ये कैसा होता है? मान लीजिए ये मटेरियल है, इट ट्राइज टू कंप्रेस द मटेरियल, पर्टिकुलर मटेरियल को कंप्रेस करना चाहता है, यानी कि शॉर्टन करना चाहता है। इट ट्राइज टू डिक्रीज इट्स लेंथ। इस टाइप के लोड को हम बोलते हैं कंप्रेसिव लोड, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर ये जो टेंसाइल लोड है, यहाँ पर हम कैसा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? अगर कोई मटेरियल यूज़ हो रहा है जहाँ पर टेंसाइल लोड लग रहा है, वहाँ पर हम कैसा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, उसकी स्ट्रेचिंग होने की एबिलिटी होनी चाहिए मटेरियल की। तो यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं डक्टाइल मटेरियल सिर्फ, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल की मैंने आपको बताया था, डक्टाइल मटेरियल हैज़ टेंडेंसी या प्रॉपर्टी होती है इट कैन बी एक्सटेंडेड या इट कैन बी स्ट्रेच्ड, ठीक है। तो टेंसाइल लोड के लिए हमेशा डक्टाइल मटेरियल का यूज़ किया जाता है। फिर अब बात आती है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव लोड में हम किस टाइप का मटेरियल यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल जैसे कि आपके, जैसे कि इसमें बताया था आपको मेटल हो गया, ठीक है, एग्जांपल मेटल्स, इसमें आ गया ब्रिक। अब हम देखते हैं इसकी क्या एप्लीकेशन, अभी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मैं आपको बोल रहा था अगर आपने कॉलम डिज़ाइन करना है तो कॉलम के ऊपर कौन सा लोड होता है? ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर देखिए ऊपर से लोड और नीचे से लोड, दोनों साइड से लोड होता है, तो ये कौन सा लोड है? कंप्रेसिव लोड, ठीक है। तो कॉलम में हम यूज़ करते हैं क्या? मोस्टली कॉन्क्रीट, ओके, इसमें स्टोन्स और सैंड का मिक्सचर होता है, सीमेंट प्लस सीमेंट, ये मिक्सचर ये यूज़ करते हैं हम, स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स प्लस सैंड प्लस सीमेंट, इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट हैज़ ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इस इधर कॉन्क्रीट यूज़ किया जाता है। अगर आप इसकी जगह, अगर मैं आपको बताऊँ इसकी जगह अगर आप एक कैसा मटेरियल यूज़ करो जो कि डक्टाइल है, मान लीजिए यहाँ पर हमने माइल्ड स्टील यूज़ कर लिया, उसका पिलर बना लिया हमने, तो अब जिस पर कंप्रेसिव लोड लगेगा इस पर क्या एक्शन होगा? क्या ये सस्टेन कर पाएगा? नहीं, इट विल वन डे बेंड इनटू दिस इज़ कॉल्ड बकलिंग। तो जो आपका लोड है इसके ऊपर, दैट विल दिस पिलर के नॉट सस्टेन द लोड, और वो स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर हम हमेशा यूज़ करेंगे कंक्रीट मटेरियल को जहाँ पर कंप्रेसिव लोड होगा, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए आपका, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। अच्छा, आप कहेंगे कि इसमें सरिया यूज़ होता है या TMT बार्स, या दैट इज़ यूज्ड ओनली फॉर reinforcement टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट स्ट्रक्चर, ओके। अब आप देखिए, मान लीजिए ये वॉल है, घर की वॉल है, ये फ्लोर है, ये रूफ है, ठीक है, इस टाइप से बनेगा कुछ। इसमें आप ये वॉल पे कौन सा लोड है? वॉल इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड,
ऊपर से भी नीचे से भी, दिस वॉल सेम, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं? ब्रिक प्लस कॉन्क्रीट। यू कैन नॉट यूज डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल क्या होगा, क्या यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इट विल बेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप ऊपर टॉप पे क्या करते हैं, टॉप पे हम सरिया यूज़ करते हैं, यानी कि TMT बार्स यूज़ करते हैं, जिसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है माइल्ड स्टील। ठीक है, इनका मैश बनाया जाता है, ऐसे फर्स्ट ऐसा मैश बनाया जाता है और इसमें कॉन्क्रीट को फिल किया जाता है। ठीक है, इसका क्या पर्पज़ है देखिए, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये ऐसे होती है ना, ऐसे है ना रूफ, मैशिंग हुई है इसमें, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि इट हैज़, इसका वेट होता है, इस वेट की वजह से ये, इसकी टेंडेंसी होती है टू बेंड लाइक दिस। अब इसी चीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है आप, क्योंकि ये तो अगर वेट इसमें थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये गिर जाएगा नीचे। ठीक है, इस चीज़ को प्रिवेंट कौन करता है, ये बीच में जो आपका TMT बार्स हैं, दैट प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट टू द स्ट्रक्चर, टू द रूफ। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली साइड जो है, ऊपर वाली साइड देखिए आप कौन सा लोड है, ये जो चीज़ ऐसी थी पहले, अब ऐसे हो गई है, इट इज़ सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, और ये जो नीचे वाली लेयर थी, ऊपर लेयर की हो गई कंप्रेशन, नीचे वाली लेयर जो थी इट इज़ इन टेंशन। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में दोनों चीज़ें होती हैं, ऊपर वाले लेयर में कंप्रेशन होता है, नीचे वाले लेयर में टेंशन होता है। तो सरिया यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि सरिया जो है टेंसाइल, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए ये रूफ जो है इसको रेसिस्ट कर पाता है, इस लोड को, इस वेट को रेसिस्ट कर पाता है और अपनी जगह स्टेशनरी रहता है। ठीक है, ये तो होगी एप्लीकेशन की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट मैकेनिकल टेस्ट्स।